दोस्तों अरुणस्क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। आप ये वर्ली आर्ट देख रहे हैं, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एक आर्ट फॉर्म है। तो जितेंद्र जी आपको बताएंगे कि वर्ली आर्ट क्या है। क्या है वर्ली आर्ट जितेंद्र जी? ये जो आर्ट है स्पेशली एकदम महाराष्ट्र में जो जिधर भी ट्राइबल एरिया है, मतलब डहाणू तला से मोखाड़ा जवास तो पूरा भी ट्राइबल है, उसमें से आदिवासी कास्ट में से वर्ली कास्ट के स्पेशली लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर ये पेंटिंग बनाते हैं। ये पूरा कोई भी फेस्टिवल आ गया गांव में, जैसे दिवाली होली कोई शादी का त्यौहार आ गया घर में, उस टाइम में पूरे घर को सजा के ये ओल्ड आर्ट पूरा बनाते हैं। उसमें पूरे मतलब डे टू डे लाइफ जिनका होता है, मतलब खेती करेंगे तो खेती का ड्राइंग बनाएंगे, कुछ डांस करेंगे तो तारपा डांस होता है वो बनाएंगे, तो जो भी है पूरा वो ड्राइंग में बनाते हैं। तो उनके उनका पारंपरिक कला है, तो कैसे बनाते हैं, रंग कौन से इस्तेमाल करते हैं और किस जगह पे ये बनाया जाता है? बराबर। तो अभी हम लोग ये तो एक्रेलिक पेंट है, पोस्टर पेंट है, लेकिन उस टाइम में वो लोग पूरा नेचुरल पेंट बनाते हैं, अपने हाथ से ही बनाते थे। जो बैकग्राउंड होता है वो काऊ डंग और लाल वाला मिट्टी पूरा उसका पेंट बना के अपने बाम्बू हट यानी तो कारवी हट जो बोलते हैं ये सामने वाला है ऐसा, उसके हिसाब से उसको प्लास्टर करके, और जो मेन होता है वाइट पेंट वो राइस का पेस्ट और छोटा सा बाम्बू का स्टिक लेके पूरा पेंटिंग बनाते थे। साथियों, जितेंद्र जी वर्ली आर्ट के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनका बड़ा नाम है वर्ली आर्ट के क्षेत्र में। अगर आप वर्ली आर्ट सीखना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं वर्ली आर्ट के लिए, तो आप दूसरी जगहों में जाके भी सिखाते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप वर्ली आर्ट सीखना चाहते हैं तो जितेंद्र जी से संपर्क कीजिएगा। ये बेहद सुंदर कलाकारी जितेंद्र जी द्वारा बनाई गई है, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।